Hey guys, नूडा आपका स्वागत है। बोल आज हम बात करने वाले 2024 में रिलीज हुए एक बेस्ट फाड़ू एनिमेटेड मूवी के बारे में, जिसका नाम है उरायन एंड द डार्क, जो कि बेस्ट कॉमेडी और एडवेंचर मूवी है। बात करते हैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में। उरायन जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर होता है, मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, वो हर चीज से डरता है और वो एक स्कूल में भी पढ़ता है, तो वो हर एक चीज से वो डरता है। जैसे कि उसके घर में कुछ भी हो गया वो डर जाता है, स्कूल में आते जाते डर जाता है, कुछ भी हो वो डर जाता है, लेकिन वो हर एक चीज़ से ज़्यादा वो अंधेरे से डरता है। एक ऐसा लड़का जो कि हर एक चीज़ों में ओवरथिंक करता है और बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, वो अपने ही मन में सवाल बनाता है और उसका आंसर भी खुद ही बना लेता है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे डार्क यानी कि अंधेरा उरायन से मिलने उसे घर आता है। फिर वो दोनों मिलकर एक बड़े एडवेंचर पर चले जाते हैं और उसके बाद का स्टोरी आपको अगर जानना है तो जाकर आप ये मूवी चेकआउट कर सकते हो। ये मूवी और इसकी स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इस मूवी का एनिमेशन भी काफ़ी अच्छा था, नेक्स्ट लेवल बोल सकते हो। इस मूवी को एंड पर रेटिंग मिला है 6.5 स्टार और रोटेन टोमेटो पर 65% फ्रेश है। और पर्सनली मैं इस मूवी को रेट करना चाहूंगा 8 out of 10, क्योंकि मूवी का कहानी और मूवी के एनिमेशन काफी नेक्स्ट लेवल था, अच्छा था वैसे। और अगर आपने अभी तक ये मूवी चेकआउट नहीं की हो तो भाई जरूर से जाके एक बार चेकआउट कर लेना, आपके बचपन याद दिला देगा, क्योंकि बच्चों के लिए तो भाई ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बच्चों के हर चीज़ में वो डरते हैं और अंधेरों से भी वो डरते हैं, तो ये चीज़ बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है ये मूवी। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो भाई घर वालों को दिखाओ, बच्चों को दिखाओ और खुद भी देखो, क्योंकि अगर कितने साल की भी हो फिर भी आपका बचपन का याद आ ही जाएगा। बाकी वीडियो के सलाह को कमेंट में जरूर बताना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करके एक सब्सक्राइब भी कर देना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑडियंस हैं जो कि सब्सक्राइब करते नहीं है भाई। वीडियो को बहुत सारे ऑडियंस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करते नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।